हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ नया लेके आए हैं। तो हमने पालक को धुल के रख दिया था, उसका पानी सूख गया था। तो हमने कच्ची पालक को पीस के उसका पेस्ट बाहर निकाल लिया है। तो हमने एक कटोरी सूजी लिया है और एक कटोरी मैदा, थोड़ा सा नमक डाला है हमने। ये 1 चम्मच जीरा है और 1 चम्मच जवाइन। अब इसको हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। और पालक को धुल के रख दीजिए, उसका पानी सूख जाता है। तो अच्छे तरीके से उसका पेस्ट निकल आता है तो हरा हरा रहता है। अगर आप पालक को पानी डाल के पीसेंगे या उसको गैस पे रख देंगे पानी के साथ बफने के लिए, तो उसका कलर हरा नहीं आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमने ये सूजी और ये मैदा जो लिया है, उसमें ये पालक को डाल के अच्छे तरीके से एक डो बना ले रहे हैं। ये देखिए, और खूब इसको हम हाथ से मल के मुलायम बना ले रहे हैं, आटा जैसे। और ये अच्छे तरीके से रख देंगे, थोड़ी देर के लिए सेट हो जाएगा, 20 से 25 मिनट के लिए। पालक जो है बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो हमारे घर पे इसी तरह बच्चों को पालक खिलाने के लिए नए नए चीज़ें ट्राई की जाती है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर लें। और पालक किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं। ये देखिए, हमने छोटी छोटी लोइयां बना के और रोटी का शेप दे के इसको बेल लिया है। और बीच से इसको अच्छे तरीके से हम काट दे रहे हैं। तो आपको जो शेप पसंद आए उस तरह काट दीजिए। हमने मठरी का शेप दिया है, तो हम बनाएंगे आज पालक की मठरी। तो इसी तरह हम काट ले रहे हैं इसको चाकू से। और ठंड का मौसम है, पालक बहुत कम लोग को पसंद आती है, खाने में कड़वी लगती है। तो आप लोग इस तरह ट्राई करिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। हम लोग इसी तरह बनाते हैं अपने घर पे। और ऐसे नई नई चीज़ें मैं लाती रहूँगी। अब दूसरा भी बेल के हम उसी तरह काट ले रहे हैं। आप बथुई की मठरी बना सकते हैं, पालक की मठरी बना सकते हैं। और हमने गैस पे कढ़ाई रख के थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है। अब एक एक मठरी हमने काट के रख लिया है, उसमें हम डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। इसको आप बना के रख दीजिए डिब्बे में करके, तो बड़े आराम से 1 हफ्ते तक बच्चों को पसंद आएगी खाने में और अच्छी भी लगती है। और हमने पालक को ना तो उबाला है और ना उसको भाप में गर्म किया है। सिंपल तरीके से पालक को हमने पीस के उसका पेस्ट निकाला है। एकदम हरी हरी पालक निकल के आई थी। तो इसी तरह हम सारी मठरी को छान लेंगे पालक की। कितने अच्छे तरीके से सब फूल भी रही हैं। और अच्छे तरीके से ये पक जा रही है।
पालक खाने में ऐसे भी कड़वी लगती है, तो इस तरह बनाइए और बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। तो हमने ये सारी मठरी बना के रख लिया है इसी तरह। और ये सबको पसंद आने वाली है, आप लोग जरूर इसे ट्राई करिएगा। और बहुत अच्छी ये कुरकुरी बन के तैयार हुई है। ये देखिए हम प्लेट में इसको रख रहे हैं, एकदम अलग सी देखिए, ऐसे आवाज कर रही है। आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा और बच्चों को इसे दीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक गई है और एक एक करके ये टूट रही है, अच्छे से फूट जा रही है और बहुत कुरकुरी बनी थी और खाने में तो बहुत अच्छी थी पालक की मठरी। तो आप लोग बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारी मठरी कैसे लगी है। नमस्ते दोस्तों।